पिछले सत्र में हमने देखा गोल्ड और सिल्वर में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में थोड़ी नरमी देखी गई। उसका सीधा सीधा कारण था डॉलर की कमजोरी और उसके साथ में ब्रेंट में भी एक साइडवेज एक्शन देखने मिला है। अगर हम लेवल स्पेसिफिक बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गोल्ड $1,300 की ऊंचाइयों को छूते हुए फिर थोड़ा नीचे फिसल रहा है और वहीं भारतीय बाजारों में 32,000 के लेवल के आसपास गोल्ड को एक काफी रेजिस्टेंस मिल रहा है। फिलहाल भारतीय बाजारों में गोल्ड एक कंसोलिडेशन रेंज में चला गया है, जिसके ऊपले स्तरों की बात करें तो ऊपले स्तरों में 32,000 और नीचे की तरफ हम लोग देखें तो 31,350, ये ब्रॉड रेंज में गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में जब तक ये रेंज में से ब्रेकआउट नहीं आता है मुझे लग रहा है कि गोल्ड इसी तरह कंसोलिडेट करता रहेगा। सिल्वर की बात करें, सिल्वर $16 के आसपास अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ऊंचाइयों को ना छूते हुए फिर थोड़ा फिसला हुआ है, बट यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड अभी भी एक पॉजिटिव दिख रहा है। हम ये मान रहे हैं कि पुलबैक्स में यहाँ पर एक फिर बाइंग आनी चाहिए। वही भारतीय बाजारों की बात करें तो सिल्वर 40,000 को ना छू पाते हुए थोड़ा नीचे फिसला और ओवरऑल अभी यहाँ पे एक थोड़ी मंदी सी देखने मिली है। थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है बट ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर भी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि पुलबैक्स में यहाँ पर भी एक बाइंग आनी चाहिए। भारतीय रुपए की बात करें तो लगभग यहाँ पर थोड़ा एक उछाल देखने मिला है। 69.50 का जो एक नीचे एक उपला स्तर था वहां पर एक रुपए को एक सपोर्ट मिला हुआ है, वहां से यहाँ पे एक थोड़ी पुलबैक देखने मिली है। अगर ये लेवल तोड़ता है तो उपले स्तरों की बात करें तो 68.50 की तरफ रुपया फिसल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे रुपए की मूवमेंट आज के दिन में कैसी रहती है, बट ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर भी मिला जुला है। उपले स्तरों में 70.50 के आसपास रुपए में एक सपोर्ट आना चाहिए। ब्रेंट की बात करें, ब्रेंट में एक हल्का सा उछाल देखने मिला बट यहाँ पर 57.50 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने जाए तो $60.50 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगा।